नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जीवन में सदा सुखी रहने के लिए और सौभाग्य की वृद्धि के लिए अपनाएं ये लाल किताब के अचूक व प्रभावशाली टोटके। दोस्तों, इन टोटकों की जानकारी आपको देने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष व वास्तु से संबंधित वे सभी प्रकार की जानकारियां लेकर आएंगे जिनका आप उपयोग कर अपने जीवन और घर संसार को पहले से बेहतर और सुखमय बना सकें। दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार लाल किताब में दिए गए उपाय तांत्रिक प्रकृति के होते हैं तथा तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। इन उपायों को यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो व्यक्ति के समस्त दुख तुरंत ही नष्ट होकर सौभाग्य का उदय होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही लाल किताब की कुछ अचूक व प्रभावशाली टोटकों के बारे में। सौभाग्य की वृद्धि के लिए लाल किताब के ये टोटके। पहला है, किसी निकट के मंदिर में जाकर भिखारियों, कुत्ते अथवा अन्य जरूरतमंदों को खाना दान देना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो अपने घर पर ही पक्षियों के पीने के पानी का पिंडा बांधें। दूसरा है, प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया जन कल्याण के लिए खर्च करें। आप एक गुल्लक बना लें जिसमें रोज का न्यूनतम यानी कम से कम 1 रुपया डालें। महीने के आखिर में इस गुल्लक से पैसे निकालकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी सामर्थ्य कितनी है। 1 रुपया, 2 रुपये, 5, 10, 50, 100, जितना आपको सामर्थ्य हो, ठीक है। और तीसरा है, मांस, शराब और अनावश्यक हिंसा से दूर रहना चाहिए, और विशेष तौर पर जब राहु या शनि की दशा चल रही हो। इनका प्रयोग आदमी को खत्म कर देता है, इसलिए ध्यान रखें शराब, मांस और अनावश्यक हिंसा या जरूरी हिंसा, इससे आप दूर रहें। चौथा टोटका है, घर से निकलते समय भगवान के दर्शन करके जाएं। दर्शन ऐसे करें कि जब आप भगवान को निहारें, भगवान की मूर्ति या फोटो को आप निहारें, देखें, तो इतने प्रेम और श्रद्धा से निहारें कि जैसे आप उसमें समा ही जाना चाहते हों। बहुत ही प्रेम भाव से दर्शन करें, फॉर्मेलिटी मत करें, देखें और जैसे आप उनमें समा ही जाना चाहते हों, जिसे भगवान से अच्छा कोई आपके लिए कुछ है ही नहीं। तो घर से निकलते समय भगवान के दर्शन करके, अब भगवान के दर्शन या अपने इष्ट देव के दर्शन करके जाएं। इससे रास्ते में होने वाले सभी अनिष्ट टल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी विशेष जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसे कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोचक व महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।